हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नोबल स्पास टैबलेट। हम में से कई लोगों ने इसको यूज़ किया होगा और यूज़ करते हुए देखा भी होगा। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इसको यूज़ कर रहे हैं बट इसका बेनिफिट या इसके साइड इफेक्ट के बारे में नहीं पता है इनको, या उनको ये नहीं पता है नोबल स्पास किस कंडीशन में यूज़ करते हैं या किस कंडीशन में इसको यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। सो डैट मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में इसके साइड इफेक्ट, इसके बेनिफिट और इसके डोज के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये किस काम के लिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है और डॉक्टर किस डिजीज़ में इसको लिखते हैं पेशेंट को, लीजिए मैं बात करता हूँ। जो मेरे हाथ में टैबलेट है नोबल स्पास, ये मैनकाइंड फार्मा की है जो कि एक एथिकल मेडिसिन है। एथिकल मीन्स हम जिसको, अगर कोई मेडिकल फील्ड का होगा तो उसको पता होगा, एथिकल मीन्स ये होता है ब्रांडेड होती है, प्रिंटेड मेडिसिन है। इसका रिस्पॉन्स 100% होता है बॉडी पर। जो नोबल स्पास की वर्किंग जो हमारे बॉडी पर होती है, जो मोस्टली देखा गया है कि जो मोस्टली डॉक्टर इसको स्टमक पेन के लिए ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। अगर किसी पेशेंट को देखते हैं पेट में स्वेलिंग हो या समटाइम्स इनको अगर पथरी का भी दर्द होता हो तो इसको नोबल स्पास एडवाइस देते हैं इसको लेने के लिए। टीडीएस चलता है नॉर्मली, इसकी जो डोज होती है दिन में 3 बार इसको यूज़ करते हैं एज एज अकॉर्डिंग या बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ये डॉक्टर आपको एडवाइस कर देंगे जब ये आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। और इसके मैं बात करूँ जो नोबल स्पास का जो इंग्रेडिएंट है, ड्रोटावरीन HCl एंड निमोसलाइड टैबलेट है। जो ड्रोटावरीन है ये स्टमक पेन के लिए यूज़ होता है, स्टमक पेन में बहुत ही अच्छा काम करता है। और नोबल स्पास का आपको इंजेक्शन भी मिल जाएगा नोबल स्पास के ही नेम से, वो भी स्टमक पेन के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये इंपुल की पैकिंग में आता है जो उसके इंजेक्शन होते हैं। और जो इसका सेकंड इंग्रेडिएंट है निमोसलाइड, निमोसलाइड ये भी आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, निमोसलाइड भी पेन के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि निमोसलाइड हो गया, किसी को हेडेक हो रहा है या पूरे फुल बॉडी में पेन है, तो पूरे बॉडी के पेन को भी कवर करता है। जो निमोसलाइड है, जो मसल्स पेन होंगे इसको भी कवर अप कर लेता है या हेडेक होता हो। ऐसा नहीं है जो ये ड्रोटिंग जो नोबल स्पास है ओनली, जो उसमें जो ड्रोटावरीन है ओनली स्टमक पेन कवर करेगा, ये आपकी हेडेक जो है हेडेक को भी कवर कर लेता है। जो निमोसलाइड इसके साथ जो इन्ग्रीडियंट मिला हुआ है निमोसलाइड, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स होता है हेडेक में। ऑल ओवर बॉडी के पेन को भी ये रिलीफ देता है। इसकी मैं अगर प्राइस की बात करूँ तो आप देख पा रहे हैं 55 रुपीज़ है। आप कोई भी मेडिसिन लेने से पहले बट इसकी एक ज़रूर एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। जैसे कि इसकी एक्सपायरी डेट है 2020 तक है इसकी एक्सपायरी डेट। और इसकी जो डिटेल है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसमें ड्रोटावरीन हाइड्रोक्लोराइड है HCl में, जो HCl इसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म इसका हाइड्रोक्लोराइड होता है। ये 40 mg में है इस टैबलेट में, और समथिंग जो भी पेन किलर टैबलेट होती है स्टमक की, तो ये 40 mg ही चलेगा कोई भी टैबलेट और इसके साथ का ढूंढेंगे तो। और जो निमोसलाइड BP है ये 100 mg है, ये 100 mg में ही आता है जो निमोसलाइड है। आप इसकी सिर्फ इतनी ही आपको निमोसलाइड टैबलेट भी मिल जाएगी ओनली हेडेक के लिए। अगर आपको कोई साल्ट के पीछे या इंग्रेडिएंट के पीछे अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करिए, आपको मैं इसके बारे में आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इसके मैं बात करूंगा अब इसके साइड इफेक्ट। अगर इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको जैसे वॉमिटिंग, डायरिया या जो आपका माउथ है ड्राइनेस हो या थ्रस्टी फील करें या कुछ भी आपके बॉडी में ऐसे लग रहा है जो आपको नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं या रिएक्शन इसका हो रहा है कुछ भी, तो आप ऑन दिस वो डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि आपको कोई ज़्यादा कोई नुकसान ना हो, इसका साइड इफेक्ट ना हो। क्योंकि हर इंसान की अलग अलग बॉडी होती है, डॉक्टर को नहीं पता होता है, ऐसे नहीं पता था, पेशेंट को भी समटाइम्स नहीं पता होता है कौन सी मेडिसिन इनके बॉडी पर साइड इफेक्ट करे। सो अगर आपको कुछ भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है तो आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर करें। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें,
और ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। और आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो मेरी जो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में ज़रूर इसको एक बार रीड करें मेरी हर एक वीडियो को, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैं ओपनली आपको डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। वीडियो में इसलिए नहीं बता सकता, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, इसको शॉर्ट रखना होता है, कम से कम मिनट की हो। सो आज के लिए इतना ही, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।